हे हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद गुप्ता और आज का जो मेरा वीडियो है वो है मेरा नाइट रिजिम। मैं फॉलो क्या करता हूँ रात में, अपनी स्किन की केयर कैसे करता हूँ रात में और आप लोगों को कैसे केयर करनी चाहिए अपनी स्किन की रात में, मैं आपको बताऊंगा। मैं कौन से प्रोडक्ट्स लगाता हूँ और क्यों लगाता हूँ, वो कैसे मेरी स्किन में आगे वर्क करते हैं मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले जब मैं क्लिनिक से वापस आता हूँ, अगर मैं जैसे बाहर से, आप लोग भी बाहर से आते हैं, बहुत सारा पॉल्यूशन होता है जो हमारी स्किन को डैमेज करता है। बिकॉज हम जब भी बाहर जाते हैं तो हम लोग खूब सारी सनस्क्रीन लगा के जाता हूँ। तो जब मैं सनस्क्रीन लगाता हूँ दिन में तो वो मेरी स्किन की एक लेयर बना के रखता है। अभी होता क्या है कि मेरी स्किन दिन भर में, क्योंकि इतने सारे पॉल्यूशन के टच में आती है, यूवी के टच में आती है और धूल मिट्टी जो भी है वो सब जाके एक्युमुलेट होती है, हमारे स्किन के पोर्स को वो क्लॉक कर देती है। अगर आपके स्किन के पोर्स क्लॉक हो जाएंगे तो वो आपको एक्ने कॉज कर सकते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि थोड़ा भी कुछ भी उल्टा सीधा कर लिया है तो उनको स्किन में एक्ने हो जाते हैं, तो वो रीज़न यही होता है कि पोर्स क्लोज हो गए। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जब भी मैं घर आता हूँ शाम को, जस्ट ये एक इंस्टा वाइट सोप है, इट्स फॉर वाइटिंग ग्लूटाथियोन और ब्यूटेन और बहुत कुछ कुछ है इसके अंदर। तो मैं जस्ट इसको लेके ऐसा करके इसको रख के, इससे पहले मैं फेस को अच्छे से क्लीन करता हूँ, बिकॉज ताकि कोई भी पोर्स है या क्लॉग हो रहा है तो वो क्लियर आउट हो जाए, दिन भर का आपका सनस्क्रीन वनस्क्रीन सब कुछ निकल जाए। आपको मैं चला गया मेरा तो ओके। तो आपको क्लीन करना है, मतलब मैं जब क्लीन करता हूं उसके बाद मैंने फेस को पूरा वॉश कर लिया है। इसके बाद मैं यूज करता हूं मिसलर। ओके, ये फेशियल क्लींजर है, ये थोड़ा और जो भी कोई डर्ट वर्ड रह गई होगी वो उसको रिमूव कर देगा। तो मैं इसको स्टेप से लेता हूँ, मिसलर फेस क्लींजर है और जिस स्टेप से यूज करना है आपको, जस्ट सर्कुलर डायरेक्शन में करिए ताकि वो कोई भी चीज हो उसको क्लियर आउट कर दे, पोर्स क्लॉग हो रहे होंगे तो वो क्लीन कर देगा। जस्ट रिमूव इट, तो अगर आपको कुछ कुछ जैसे मेरे को स्पॉट है एक्ने का या कोई ऐसा कुछ टाइप का होगा तो उसकी मैं क्या करता हूँ ताकि वो जल्दी से खत्म हो जाए, कभी मुझे गलती से एक्ने आ गए, बिकॉज हार्मोन प्रॉब्लम सबको होती है, कहीं ऊपर नीचे होते हैं, कुछ भी इशू होते हैं तो एक्ने आ जाते हैं बहुत कॉमन। तो मैं क्या यूज़ करता हूँ उन सबके लिए बता रहा हूँ। तो मैंने मिसलर से फेस को क्लीन किया, अभी मैं क्या करूँगा, मैं ब्यूटी वाटर का सेट यूज़ करता हूँ जनरली। इट्स अ 3-स्टेप ब्यूटी वाटर, इसमें 3 डिफरेंट pH लेवल होता है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जो भी डर्ट हम लोग बाहर जब जाते हैं तो ये जो 11.5 पीएच है उसकी ओआरपी -700 है, जो एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो -700 है। तो ये इसका मैंने डेमो ऑलरेडी दिया हुआ है ब्यूटी वाटर के ऊपर, कोरियन स्किन वाइटनिंग सीक्रेट में मैंने बताया हुआ है कि कैसे ये काम करता है, कैसे ऑयल को डिजॉल्व कर देता है, पूरा दूध को दूध की तरह घोल देगा ऑयल को तेल में जब आप पानी डालते हैं। तो जितना भी ऑयली सीक्रेशन होता है अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये बहुत अच्छा है क्लीन करने के लिए। तो जस्ट आपको स्प्रे करना है और वेट करके थोड़ा सा हल्का सा डैप करना है, पोंछना नहीं है। इसके बाद आपको लगाना है, इसका जो दूसरा स्टेप है वो है, सेकंड स्टेप है 2.5 पीएच। देखिए जो 11.5 पीएच है, जो स्टेप वन है वो 11.5 पीएच है, एल्कलाइन वाटर है, ये थोड़ा एसिडिक है, ये जितने भी आपके एक्ने हो रहे होंगे या आपके फंगल इन्फेक्शन होगा या कुछ भी होगा उसको ये सबको क्लीन कर देगा बिकॉज एसिडिक है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हाई है, तो जितना भी डैमेज दिन भर में मेरी स्किन को बाहर होता है ये उस सारे डैमेज को ख़त्म करता रहता है। इसके बाद स्टेप 3 होता है, जस्ट वेट फॉर 30-40 सेकेंड। एंड स्टेप 6 जो 3 है वो 6 पीएच है, विच इज़ ब्यूटी वाटर। ये हमारे पूरे स्किन के जो स्किन का पीएच होता है 5.3 to 5.5 उसको वापस से बैलेंस कर देगा।
जस्ट ऐसे करना है आपको, और उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें जस्ट टैप 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 करके। तो ये था 3-स्टेप ब्यूटी वाटर जो मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ, जब भी मौका मिलता है, कभी कभी छूट जाता है बट मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। ये आपको जवान रहने भी मदद करेगा। मेरी एज 36 है और मैं इसको अराउंड 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो और मैं कोलेजन भी पीता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एंटी एजिंग के लिए काम करता है, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये मेला एसेंस है जो मीजोथेरेपी के साथ यूज़ किया जाता है, बट मैं जनरली रात में थोड़ा सा लेके लगा लेता हूँ चेहरे पे, ताकि ये पिगमेंटेशन है कुछ भी चीज़ को ख़त्म कर देता है। तो ये इस टाइप से मैंने लिया और लगा के छोड़ दिया। इसके बाद आती है बॉडी, तो मैं यूज़ करता हूँ बॉडी वाइटनिंग ऑयल। ये मैं डेली दिन में 2 बार यूज़ करता हूँ, रात नहाने के बाद और शाम को बाद में भी। मैं ये ले के इसको 4-5 ड्रॉप लेके, ये हैंड की टैनिंग हटाने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही है ना, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये टैनिंग वैनिंग सब खत्म कर देगा। इसके साथ मैं लगाता हूँ इंस्टावाइट पैक। तो ये करता क्या है, बॉडी वाइटनिंग ऑयल आपके पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, टैनिंग रिमूव करता है, साथ में इंस्टावाइट पैक फटाफट और अच्छा वाइटनिंग रिजल्ट देता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हाथ काले वाले हो रहे हैं, नेक काली हो रही है या फेस पे, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। बॉडी वाइटिंग ऑयल मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ पहले लगाना, बिकॉज इंस्टा वाइट पैक है वो थिक होता है। दिस इज इंस्टा वाइट पैक, ओके। अभी न्यू पैकिंग आई है और इसका नाम न्यू पैकिंग का जो नाम आ रहा है वो इंस्टा ब्राइट आ रहा है, इंस्टा ब्राइट पैक। तो ये है, इसको पहले मैं ऑयल लगा लेता हूँ। ऑयल से क्या होता है, स्प्रेड अच्छा होता है क्योंकि वो पैक बहुत थिक है। जस्ट अच्छे से लगा के पूरे एरिया में आपका लग जाए, जो एक्सपोज पार्ट है आप मैं प्रेफर करता हूँ उसमें लगाना, अपनी बॉडी पे तो नहीं लगाता। इसके बाद मैं ये पैक लेके, बिकॉज ये पैक थोड़ा कॉस्टली आता है और ये ज़्यादा दिन चले, इसको मैं जस्ट लेके इस तरीके से अप्लाई कर लेता हूँ। अभी रात भर पैक वर्क करेगा मेरी स्किन की लेयर में, और पिगमेंटेशन जो दिन भर में हो रहे हैं वो खत्म कर देगा। अगर आपके यहाँ पे काला वाला है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो और ज्यादा लगा सकते हो। स्टार्टिंग में आपको जब लगाते हैं तो उसको थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में लगाइएगा, उसके बाद आप थोड़ा वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक आप उसको अप्लाई कर सकते हो। और यही पैक मैं फेस पर भी अप्लाई करता हूँ, वंस अ वीक, नॉट रेगुलर। और स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है, पर उसके बाद हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप लगा सकते हो। जब भी मैं स्क्रबिंग करता हूँ, जिसमें टॉवल से स्क्रब ये पोछा, तो मेरी स्किन थोड़ी डैट हो जाती है, तो नॉर्मल है बिकॉज ऐसे डायरेक्शन होता है। जो इंस्टा वाइट सोप है, जो साबुन सबसे पहले मैंने यूज़ किया था, वो जब भी आप लगाएं तो 5 मिनट लगा के रखिएगा। मैंने अभी जल्दी वॉश किया तो मैं नहाता भी उसी से हूँ, बिकॉज जब तक उसका वो लगा रहेगा तभी तो उसका इफेक्ट दिखेगा। थोड़ा नेक पे भी लगा लेता हूँ। ओके, सो ये था मेरा, हार्डली 5-10 मिनट लगता है इसको करने में, बट ये रेगुलर करिएगा। और ये पैक को वॉश मॉर्निंग में आपको करना है। और ये करने के बाद लास्ट में मैं यूज करता हूँ ये एल्ट्रिस सॉल्यूशन, बिकॉज मेरे बाल वाइट हो रहे हैं एज के साथ, तो मैं इसको कलर को मेंटेन करने के लिए मैं एल्ट्रिस सॉल्यूशन दिन में 2 बार नहाने के पहले, नहाने के बाद और रात में सोने के पहले 1 बार इस तरह से स्प्रे कर देता हूँ। तो ये था मेरा ब्यूटी रिजीम, मैं जो इवनिंग में नहा क्लिनिक से आने के बाद जो जनरली चीज़ें फॉलो करता हूँ वो मैंने बताया आपको। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, इसकी लिंक मैं प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आपको मिलेगी lescomic.com पे। और हाँ, ये प्रोडक्ट कॉस्टली है तो वहाँ पे जाके देखिएगा, बट वहाँ पे आप जाके फ्री परचेस कर सकते हो यार, ये सारे प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल सकते हैं। लेस्कोमिक ने सब एक तो 10% डिस्काउंट दिया है ऑनलाइन पेमेंट पे,
अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हो 10% फ्लैट डिस्काउंट है। साथ ही साथ आप जब प्रोडक्ट को वेब ब्राउजर में खोलते हो और प्रोडक्ट को शेयर करते हो अपने फेसबुक पे, तो वहाँ पे आपको 20 रुपये का रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है जो एक्यूमुलेट होता है। आप हर एक घंटे में इसको शेयर कर सकते हो और 20-20 रुपये आपके अकाउंट में जुड़ते जाएंगे। और जब उस लिंक से कोई आपका फ्रेंड परचेस करता है तो आपको 200 रुपये का रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। ये जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे पॉइंट, आप उतने अमाउंट का कोई भी प्रोडक्ट लेसकोमिक से खरीद सकते हो। तो फ्री में शॉपिंग करो, वेट क्या कर रहे हो? कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मेरा आईडी डॉक्टर अवनीत गुप्ता।